जय श्री कृष्ण। कल हमने 11 से प्रारंभ करके 20 तक श्लोक पढ़े थे, तो आज हमेशा की तरह कल के 10वां श्लोक सुनाती हूँ आपको। इस हेतु निज निज मोर चौपर वीर पूरा बल धरें, सब ओर चारों ओर से रक्षा पितामह की करें। कुरुकुल पितामह तब नृपति मन मोद से भरने लगे, कर विकट गर्जन सिंह सी निज शंख ध्वनि करने लगे। फिर शंख भेरी ढोल आनक गोमुखे चहु ओर से, सब युद्ध बाजे एकदम बजने लगे ध्वनि घोर से। तब कृष्ण अर्जुन श्वेत घोड़ों से सजे रथ पर चढ़े, निज दिव्य शंखों को बजाते वीरवर आगे बढ़े। श्री कृष्ण अर्जुन पांच जन्य व देव दत्त गुंजा उठे, फिर भीम कर्मा भीम पौंड्र निनाद करने में जुटे। करने लगे ध्वनि नृप युधिष्ठिर निज अनंत विजय लिए, गुंजित नकुल सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक किए। काशी नरेश विशाल धनुधारी शिखंडी वीर भी, भट दृष्ट द्युम्न विराट सात्यकी श्रेष्ठ योद्धा गण सभी। सब द्रौपदी के सुत द्रुपद सौभद्र बल भरने लगे, चहु ओर राजन वीर निज निज शंख ध्वनि करने लगे। वह घोर शब्द विदीर्ण सब कौरव हृदय करने लगा, चहु ओर गूंज वसुंधरा आकाश में भरने लगा। सब कौरवों को देख रण का साज सब पूरा किए, शस्त्रादि चलने के समय अर्जुन कपिध्वज धनु लिए। कल हमने यहीं तक पढ़ा था ये, और बताया था आपको कि फिर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि रथ थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए और दोनों दलों के बीच में अच्युत खड़ा कर दीजिए। तो अब वहीं से आगे की कथा प्रारंभ करती हूँ। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम् आह महीपते, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुः कामानवस्थितान्, कैमर्यासः योद्धव्यमस्मिन् स्मरणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत यानी हे श्री कृष्ण, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूपी उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मुझसे कम बल वाले हैं और कौन मुझसे अधिक बल वाले हैं, उन सब को मैं जरा देख लूं। अर्थ यह है कि वो शत्रु की सामर्थ्य और शक्ति का आंकलन करना चाहते हैं। यहां योद्धु कामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। अतः अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। तो अगला श्लोक है 23वां। योत्स्यमानान वेक्षेऽहम् येते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यानी दुष्ट बुद्धि दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य, धार्तराष्ट्र के दो अर्थ होते हैं, या तो धृतराष्ट्र के पुत्र व संबंधी, दूसरा अर्थ है अन्याय पूर्वक किया गया राज्य या राष्ट्र, जो राष्ट्र अन्याय से भरा हुआ है। तो अर्थ बताती हूँ, दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले
जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए हैं, इन सबको मैं देख तो लूं। यह दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी यह हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है। और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं, इसका शुभ करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे उनके मित्र का लोक परलोक में हित हो, कल्याण हो। पर ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को नाश करके उल्टे उसको और बढ़ावा देना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका ही पतन कराना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक किस तरह सुधरेगा, इन बातों का वे विचार नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको यह सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। कहने का तात्पर्य है कि अब यदि इनके मन में युद्ध की आ ही रही है तो मैं देखूं ये हैं कौन और कितने पानी में हैं। तो अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय आगे के दो श्लोकों में कहते हैं। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतां समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, भले हों चाहे बुरे, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं सब अपने ही कुटुंबी। तो इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाएगा। इसी इच्छा से भगवान ने रथ को भी विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य मुख्य राजा लोग सामने ही दिखाई दे पाए। यहाँ पे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए भगवान गीता का महान उपदेश देना चाहते थे। ऐसा भी वे कह सकते थे कि पश्यतान धार्तराष्ट्र समानिति, मतलब उन लोगों को देखो जो अन्यायी हैं, लेकिन यहाँ पे वो उनको निमित्त बनाकर कुछ और ही अर्थ समझाना चाहते थे। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है और वैद्य लोग पहले उसे पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तो फिर उसे चीरा लगाकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरून पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे वे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा, उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। तत्रापश्य स्थितान पार्थः पितृनथ पितामहः
आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधूनवस्थितान्। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो मेरे लिए पिता के समान हैं। भीष्म सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण कृप आदि आचार्य खड़े हैं। पुरुजित कुंती भोज शल्य शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु घटोत्कच लक्ष्मण आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं जो कि मेरे पौत्र हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं, क्योंकि युद्ध में तो दोनों ही पक्षों का नाश होने की संभावना रहती है। द्रुपद शैव्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़े हैं। यानी अपने सब कौटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विशीदन्निदम् अब्रवीत्। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। क्या बोले? पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बालिक आदि प्रपितामह, दृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी ही संबंधी देखने में अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा मिट गई और भीतर में मन में कायरता आ गई। यहाँ पे इससे यह सिद्ध होता है कि यह कायरता अर्जुन में पहले नहीं थी, अभी आई है, अतः यह आगंतुक दोष है। आगंतुक होने से यह ठहरेगी नहीं, परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह तो रहेगी ही। यानी स्थिति अनुसार अगर टेम्परेरीली कोई भावना आती है जो हमारी अपनी नहीं है, हमारे अपने अंदर की नहीं है, वो उतनी ही आसानी से चली भी जाती है। लेकिन जो सेल्फ इमेज है, जो हम हैं अंदर से वास्तविक रूप में, वो हम सदा वही रहेंगे, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आ सकता। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरता रूपी दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है। तो गीता यही समझाना चाहती है कि अन्याय करना बुरा है, लेकिन अन्याय सहना उससे कहीं अधिक बुरा है। युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और उस अवस्था में वे ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है। अब आगे के तीन श्लोक मैं एक साथ पढ़ूंगी। त्रिष्टैवं
स्वजनम कृष्ण योयोत्सुम समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात्व चैव परिदह्यते न च शकोन्म्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले युयुत्सु, इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग अवयव शिथिल हो रहा है। मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर कांप रहा है। शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मुझे क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है। दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। पूर्व श्लोक में अपने शरीर के शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन अर्जुन ने किया है। इसका वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का अनौचित्य बताते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और श्लोक है जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगी अर्जुन की स्थिति को देखते हुए। वो है, चिंता चिता समाहयुक्ता बिंदु मात्रम विशेषतः संजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। यानी चिंता को चिता के समान कहा गया है, केवल एक बिंदु की ही अधिकता है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जलाती है। तो आज हमने 30 तक श्लोक पढ़ लिए हैं। आज यहीं समाप्त करती हूँ। अर्जुन संतुष्ट नहीं हुए हैं, अभी अर्जुन और युद्ध का अनौचित्य बताने वाले हैं, वो हम आगे के श्लोक में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण।